हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात कर रहा हूँ Asus Chromebook लैपटॉप है मेरे पास, और इसमें आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से अपने मोबाइल से फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस लैपटॉप के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में घंटे का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक जो OTG केबल होता है, जो चार्जिंग वाला होता है, वो यहाँ पे डालना होगा। जो आपके डिवाइस का होता है, मोबाइल का जो चार्जर होता है, वो आप इसमें लगा लीजिएगा। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। रखने के बाद आपको ये वाला है ना, इसके साइड में आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिलेगा, और लगाने के लिए आपको पोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पोर्ट में लगा देता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं। तो इसके बगल में आपको देख लीजिएगा, यहाँ पे लगाने का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये लग चुका है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में आपको इस डिवाइस के अंदर चार्जिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, पर हमें चार्ज तो करना नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसमें परमिशन देना होगा। क्या परमिशन देना होगा, वो नोटिफिकेशंस में आ गया होगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग USB का आ गया, क्योंकि हमने ये इनपुट किया ना इसलिए। तो ये जो एरो दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है, या कहीं भी टाइप करेंगे तो एक बार और टाइप करेंगे तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपका ये वाला डिवाइस यहाँ पे शो हो जाएगा, तो यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यह फाइल मैनेजर में जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डिवाइस का दूसरा स्टोरेज भी आ चुका है यहाँ पे। तो साइड से कोई नॉइज़ आ रहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स, इसे इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैमरा में जा करके मैं यहाँ से कोई भी फाइल, वीडियो वगैरह जो भी है उसको कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह कॉपी कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए कंट्रोल दबा के और फिर एक एक वीडियो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं एक एक मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो एक बार और मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं मैंने कंट्रोल दबाया हुआ है, ये कंट्रोल है, ये वाला कंट्रोल होता है, इसको दबा करके आप कोई से भी फाइल को इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, वीडियो ऑडियो जो मर्जी। तो सेलेक्ट करने के बाद ये अनसेलेक्ट कर देता हूँ, मैंने ऊपर में दो फाइल सेलेक्ट कर रखा है, आपको दिखा देता हूँ, ये रहा ऊपर में। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कंट्रोल सी से भी कॉपी हो जाता है, ये देख सकते हैं कंट्रोल सी है, कंट्रोल दबा के सी दबा देंगे तो कॉपी हो जाएगा, या फिर यहाँ पे ये वाला दबाएंगे तो भी कॉपी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आप दूसरे जो फोल्डर होता है उसमें आप इजीली पेस्ट कर सकते हैं। तो इसको माय फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे आपके एक नया फोल्डर भी बना सकते हैं, बनाना चाहे तो, या डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं आप इसको। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको ईजीली पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक चीज़ और दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्ले फाइल दिखेगा आपको, इसके अंदर फोल्डर वगैरह दिखेगा, तो मैं पिक्चर वाले में पिक्चर को डाल देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो यहाँ पे कंट्रोल, ये देख सकते हैं आपको नीचे दिखा दे रहा हूँ, कंट्रोल वी कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कंट्रोल वी किया ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो गाइस, इसी प्रकार से आप कॉपी कर सकते हैं फाइल, वीडियोज़ वगैरह। तो गाइस, वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।